नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। मैं हूं आपके साथ मोनिका भारती। इस वक्त हम मौजूद हो चुके हैं मुकेश मल्होत्रा, जो कि निर्दलीय पार्षद के चुनाव पर खड़े हो रहे हैं और जिनका देख सकते हैं आप यहां पर जो सिंबल मिला हुआ है वो त्रिशूल है। और बाकी हम आइए सर से बात करते हैं, जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर खड़े हुए हैं। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुकेश मल्होत्रा, निवर्तमान पार्षद, भाजपा के सिंबल पे पिछली दफ़े इस सीट पर चुनाव जीता। इस सीट पर 15 साल से विपक्ष का कर्जा था। 15 साल बाद ये सीट मैंने जीती और बहुत मार्जिन से जीती गई। जीतने के बाद मेरे पर अटैक करा गया। उसके बावजूद 80 साल से मेरा परिवार, लगभग मेरे पिताजी 14 साल की उम्र से स्वयंसेवक थे। कभी हमारा परिवार भाजपा के अलावा, जनसंघ के अलावा, हमने कभी किसी का चुनाव नहीं लड़ा। सीट जीतने के बाद मेरा टिकट काट दिया गया जी। मैंने उनसे पूछा, बताइए भैया, मेरे दोस्त तो बताइए, हाँ मेरा क्या दोष है, मैंने कहीं बेईमानी कर ली हो या मैंने काम नहीं हो। 1.5 करोड़ रुपए की सड़कें बढ़वाई है मैंने अपने, 40 लाख रुपए का एक संबल लगवाया है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, जिससे क्षेत्रीय जनता को पानी की समस्या खत्म हो गई। विभिन्न गलियों में तमाम सीवर लाइन का काम, पानी टंकी का काम, सफाई व्यवस्था, मेरा वार्ड 80 वार्डों में स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर यूपी में 2 नंबर पर आया। उसके बावजूद मेरा टिकट काट गया, लेकिन मुझे दोष नहीं बताया गया। टिकट काट दिया गया आपका, और जो आप निर्दलीय जी खड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ की जनता पर कितना विश्वास है? मतलब सबसे बड़ी बात है, जिसको टिकट दिया गया जी, वो पिछली बार बरार वाले वार्ड से 750 वोट से भाजपा के प्रत्याशी से आ रहा जी। वो सापा में रह गया, वो निर्दलीय रहा। जब भाजपा में रहा तो हमेशा भाजपा के खिलाफ काम करा। प्रदर्शनी नगर में रहते हैं, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर। क्या हमारे वार्ड में कोई कार्यकर्ता नहीं है भाजपा का? मुझे, मैं नहीं था, किसी और को देते, मुझे नहीं देना था। भाजपा के देते वार्ड के कार्यकर्ता, किसी को जरूरत हो तो वार्ड प्रदर्शनी नगर में काम कराया जाएगा। ये सब समय जनता इस बात को देगी, बाहर का व्यक्ति बर्दाश्त नहीं है। मैंने जो विकास कार्य करे हैं उस पर जनता मेरे साथ है, सबकी सहानुभूति मेरे साथ है। मेरे परिवार का जो त्याग रहा है, मेरे पिता ने 7 महीने इमरजेंसी काटी जनसंघ के कार्यकर्ता होने के नाते। हम 5 भाई बहन थे, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, फिर भी हम कभी नहीं लगे। उसके बावजूद भी हमें ये हमारा टिकट काट के हमें हमारे ऊपर क्या से होती साफ कर, उसके बाद हमारे ऊपर प्रेशर बनाया गया। मैंने साहब, चलिए हम इतने त्याग कर रहा, हम ये भी त्याग कर देंगे, हमें पार्षद ही कोई बहुत बड़ी बात। कल को लोग ये कहेंगे, साहब इन्होंने पैसे लिए, उसका जवाब कौन देगा? हम किसी को तो रोक नहीं सकते। इन्हीं सभी मुद्दे और जनता ने सब, जनता हमारे पीछे रहते हुए जिस दिन टिकट कटा था यहाँ 12 बजे तक भीड़ लगी रही कि नहीं आप चुनाव लड़ेंगे, और मुझे जनता का कहना मान के चुनाव लड़ना था। और मैं, मेरी सीधी टक्कर सभा के प्रत्याशी से, और मैं बहुत अच्छा। और एक दूसरी बात क्या है, जब मैं भाजपा से लड़ता था तो बहुत कम मुस्लिम वोट मुझे पड़ता था जी। मैंने इतने विकास कार्य कराए हैं, आज मेरे साथ बहुत बड़ा एक मुस्लिम तबका मेरे साथ, इसकी वजह से मैं चुनाव लड़ाऊँ जनता की मांग पर, और मैं भारी बहुमत से जीत के दिखाऊंगा। ये बात है, जनता आपको यहाँ अपने क्षेत्र के लिए चुनती है, तो सबसे पहले आप अपने क्षेत्र में क्या कार्य कराएंगे? देखिए, मैंने 90% काम तो अपने पिछले कार्यकाल में पूरे करा, कुछ कार्य अधूरे हैं, टेंडर हो गए, काम शुरू हो गए, लेकिन ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिली, उसकी वजह से वो काम स्टार्ट होने के बाद के ठेकेदार ने काम करना बंद कर दिया। मेरी प्रायोरिटी पहले उन कामों को पूरा करने की है जो पाइपलाइन में है, उसके बाद छुटपुट काम जो होंगे वो तो करा ही जाएंगे। और कोई ऐसा काम मेरे वार्ड में मैंने करा, आपको 90% काम मैं करा चुका हूँ। उसके लिए मैं आपको अपना रिकॉर्ड भी दिखा सकता हूँ, मैं एक एक चीज़ का रिकॉर्ड रखता हूँ अपने पास, कब टेंडर निकला, किस ठेकेदार ने लिया, किस रेट में, कब वो कम्प्लीट हुआ, ये सब चीज़ मैं अभी आप कहेंगे तो मैं दिखाऊंगा पहले आपको। भगवान ने पढ़ा लिखा बनाया है, मैं उस तरीके से काम करता हूँ, और मुझे शौक़ है काम करने का जनता के लिए। मेरे पिताजी ने भी सेवा करते थे, मैं भी, मेरे को सेवा का शौक़ है। मैं जीतूँ इनका, नहीं जीतूंगा तो भी जनता के लिए समय आज। इस बार आपको बीजेपी से टिकट नहीं मिला है, और बीजेपी से जिसको भी मिला है टिकट, और एक तरफ सपा के प्रत्याशी हैं और आप निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, तो क्या लगता है जीत को? देखिए, जो जिसको टिकट दिया है, एक तो वो व्यवहारिक नहीं है, पिछली दफा वही हमारे भाजपा कैंडिडेट 750 वोट से आ रहे हैं, दूसरे वार्ड से, बराबर वाले वार्ड से। तीसरे, मुझे अभी तक जो कुछ वोट भाजपा के नाम से नहीं पड़ता था, वो बहुत बड़ा तबका मेरे काम से खुश होकर मेरे साथ वोट डालने में लगा हुआ। आज दूसरे प्रत्याशी ने मुझसे कहा, बोले भाई हमारे वोटों पर तो सेंध मत लगाओ। मैंने, भाई हम कुछ, हमारा काम है कर रहे हैं, जनता हमारे साथ है, तो
विकास करा है तो विकास के साथ है। जो 15 साल में 15 साल तक यहाँ डिप्टी मेयर रहे उन्होंने अपने घर के बराबर में सिविल लाइन नहीं डाली, मैंने डलवाई। जिसने जो काम कहा जहाँ तक हुआ मैंने करा, मैं कह रहा 90% काम आप वार्ड में कहीं भी सर्वे कर आइएगा, मेरी शायद ही कोई आदमी आपको बुराई करने वाला मिलेगा। बच्चा बच्चा आज मुझे छोटे नाम से प्यार से मुक्कू भाई कहते, बच्चा बच्चा जानता है, चाहे हिंदुओं में हो चाहे मुसलमान में।